श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। देश में आज यानी 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में LGBTQ सक्सेना की मंजूरी के बाद अब दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। बता दें, इससे पहले आतिशी का नाम सामने आ रहा था कि वो झंडा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कल रात से ही ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू हो गया था। लाल किले के आसपास कड़ी सुरक्षा के चलते पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कश्मीरी गेट, बस अड्डा और कस्तूरबा गांधी व LNJP हॉस्पिटल जाने वाले लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मेट्रो सर्विसेज में भी कई बदलाव किए गए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में जनता की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सभी टर्मिनल स्टेशनों से अपनी सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। इस दिन सुबह 6 बजे तक हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आज कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में आज ड्राई डे घोषित कर दिया है, यानी शराब बिक्री नहीं की जाएगी। आज देश की दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से पर्दा उठाएगी। इस दौरान इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स से पर्दा उठ सकता है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसका असर रेल यातायात पर भी देखने को मिलेगा। आज दिल्ली जंक्शन और दिल्ली शाहदरा स्टेशनों के बीच रेल यातायात निलंबित रहेगा। आज देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार भी आज बंद रहेगा, यानी कि इक्विटी डेरिवेटिव सेक्शन और सिक्योरिटीज लैंडिंग और बोरोइंग सेगमेंट कारोबार के लिए नहीं खुलेंगे। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में आज रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, फदीन खान, एमी विर, वानी कपूर और तापसी पन्नू अहम किरदारों में नजर आएंगी। ये मल्टी स्टारर फिल्म इटालियन मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की रीमेक है। देश में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 18 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1872 में लेखक और दार्शनिक अरबिंदो घोष भारतीय का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1886 में भारत के महान संत तथा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज ही के दिन सन 1979 में फरीदाबाद हरियाणा का 12वां जिला बना था। आज ही के दिन सन 2004 में लारा सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।